cbse बोर्ड से ये चैप्टर हटा दिया गया है बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर बुक 1 एंड बिना इस चैप्टर को समझे आप आगे वाले चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स क्विकली रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा सो हम नाम से ही समझते हैं पहले चैप्टर में बोला गया है कोल्ड वॉर की एक एरा राइट right? यानी कि एक 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 आज तक हमने war तो सुना था, लेकिन cold war क्या होता है? है, है 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 दो तरीके की होती 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 और जो प्रॉपर हमने मूवीज में लड़ाइयां देखी है राइट हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, फॉर एग्जाम्पल आर वर्ल्ड वॉर वन एंड आर वर्ल्ड वॉर टू ये एक हॉट वॉर कहलाई जाती है राइट right? बट ऑन अदर हैंड कोल्ड वॉर होती है जो कि एक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला नहीं कर रही है लेकिन ऐसा भी नहीं कि के बीच में लड़ाई हो गई। उसके बाद जो टेंशन का माहौल है ना आप बात हैं ना वो बात हैं राइट ऑफ टेंशन कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंटेशन बिटवीन द बोथ ऑफ यू राइट सो उस को बोलेंगे कोल्ड वॉर कि यार माहौल बहुत गर्म है लड़पीट तो नहीं रहे हम एक दूसरे को चप्पलें तो नहीं मारे लेकिन नो no, ओके okay, मेरी उससे नहीं बन रही तो सिमिलरली कोल्ड वॉर का मतलब है एक ऐसी लड़ाई जो प्रॉपर मारपीट पर तो नहीं उतर रही है लेकिन एक लड़ाई है सो इट इज अज ऑफ किस चीज की टेंशन है ना मनमुटाव है कंपटीशन जेलेसी है कंपीट कर रहे हैं मेरे नंबर ज्यादा आएंगे या उसके है ना एंड कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंटेशन क्या होता है कि बस मारपीट होती होती रह गई या हो सकता है एक दो चाटा लग गया हो एक दो बाल खींच लिए हो राइट तो इनकी सीरीज है राइट अ कोल्ड वॉर इज द सीरीज ऑफ टेंशन कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन एंड यूएसएसआर बैक्ट बाय देर अलाय आपका जो ग्रुप है और आपकी फ्रेंड का जो ग्रुप है दोनों में लड़ाई हो गई ना अगर एक की लड़ाई हुई दूसरे के साथ तो ग्रुप की भी हो ही गई सिमिलरली इधर आप यूएसए बन सकते हैं और आपकी फ्रेंड यूएसएसआर बन सकती है राइट सो एंड यूएसएसआर आर द टू सुपर पावर्स जिनके बीच में ये कोल्ड वॉर की लड़ाई है क्लियर है सभी को आई होप जो बेसिक है वो बात समझ में आ गई है चलिए तो अब हम और गहराई में जानते हैं इस कोल्ड वॉर के अंडर कौन कौन से वी कैन से एक्टर्स इन्वॉल्व थे और क्या उनके अलायसेस थे और ये कॉन्फ्लिक्ट असल में क्यों हुआ चलिए सो द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू टू अलायसेज वन ऑफ यूएसए एंड दर ऑफ यू एस एस आर राइट तो यूएसए के अलायंस को बोला गया वेस्टर्न अलायंस और यूएसएसआर के अलायंस को बोला गया ईस्टर्न अलायंस ऐसा क्यों था क्योंकि जो सबसे पहली अरीना ऑफ कोल्ड वॉर थी वो थी यूरोप यूरोप का डिवीज़न हो गया वेस्ट यूरोप बन गया यूएसए का अलायंस और ईस्ट यूरोप बन गया यूएसएसआर का अलायंस इसीलिए इसको वेस्टर्न अलायंस बोला गया और इसको ईस्टर्न अलायंस बोला गया राइट right? साथ ही साथ देख लेते हैं जो मिलिट्री अलायंस था उसका क्या नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटोव जो कि 1949 में बनाया गया राइट right? ये जब बनाया गया तो बोला गया अगर हम में से किसी भी एक पे आप हमला करेंगे तो हम समझेंगे कि हम 12 नेशंस पे साथ में हमला हुआ है और हम वैसे ही बैकफायर करेंगे वैसे ही आपको जवाब देंगे राइट right? तो यहां पे मिलिट्री कौन सा था वॉरस ऑफ पैक्ट ठीक है जो कि 1955 में बनाया गया जिसका मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ नेटो पे आंख रखना नेटो पे वी कैन से Uh, उसको टैकल करना राइट right? क्लियर है अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं थी ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है यहां पे है हमारा यूएसए यहां है यूएसएसआर राइट यूएसए की थिंकिंग यूएसए की आइडियोलॉजी अलग है और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अलग है राइट right? आपकी किसी से क्यों लड़ाई होती है जब आपका माइंडसेट मैच नहीं करता आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती उनसे राइट सो यूएसए की सबसे पहली आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी और दूसरी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म राइट यूएसएसआर की है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म क्लियर है तो ये है आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट दोनों के बीच में आप फटाफट से समझते हैं इनका मतलब क्या है लिबरल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों ने चुनी है राइट right? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल राइट जो अल्टीमेट अथॉरिटी है किसके पास है लोगों के पास है पीपल के पास है सिटीजन के पास है राइट right? और लिबरल यानी कि काफी ज्यादा फ्रीडम जहां पे दी जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऐसी काफी सारी फंडामेंटल राइट ठीक है तो एक ओपन माइंड ओपन गवर्नमेंट की बात हो रही है कैपिटलिज्म का मतलब क्या है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज कि भैया जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है जो रिसोर्सेज हैं वो कौन ओन करेगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट का जो रोल है वो बिल्कुल नेग्लेजेबल है गवर्नमेंट कुछ भी दखल अंदाजी नहीं कर रही है कुछ भी रिसोर्सेज ओन नहीं कर रही है जो सारी मार्केट फोर्सेज हैं डिमांड और सप्लाई की वही हमारे मार्केट uh, को इकोनोमी को चला रही है राइट सो प्राइवेट ओनरशिप को बोलते हैं कैपिटलिज्म क्लियर है बात चलिए आगे चलते हैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म ये दोनों काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है कम्युनिज्म का मतलब है कि कम्युनिटी एज अ होल द ग्रुप एज अ होल ओन्स रिसोर्सेज ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर राइट सो कम्युनिज्म का है कम्युनिटी एज अ होल प्राइवेट ओनरशिप नहीं है कम्युनिटी साथ में मिलके लोग एज अ ग्रुप ठीक है वो ओन कर रहे हैं रिसोर्सेस ठीक है ये आप तब देखेंगे जब हम यूएसएसआर का डिस पढ़ेंगे 1991 में अपने चैप्टर नंबर टू में ठीक है तो उसमें हम इन डिटेल ये बात समझेंगे सोशलिज्म क्या होता है भैया वेलफेयर ऑफ ऑल ठीक है सबका भला हो ठीक है जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है राइट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ताकि सारे sections of the society को एक साथ लेके हम चले, right? so, आप देख सकते हैं काफी conflicting ideologies हैं हैं काफी दोनों के बीच में that is why यहां पे आता है एक एक ये बन जाते हैं एक दूसरे के एनिमीज क्लियर है चलिए अब हमने ये तो कवर कर लिया है कि कोल्ड वॉर क्या था इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है लॉजिक ऑफ डेटरेंस कि ये कोल्ड वॉर एक कोल्ड वॉर क्यों रह जाता है एक हॉट वॉर में क्यों नहीं बनता क्योंकि भैया दोनों ही पावर्स के पास यूएसए और यूएसएसआर के पास दोनों के पास ही इक्वली केपेबल न्यूक्लियर पावर्स हैं इक्वली वो एक दूसरे के साथ पावरफुल हैं तो अगर एक कंट्री दूसरे पे हमला करती है दूसरी पे बम फेंकती है तो यूएसएसआर तब भी इतना केपेबल होगा कि वो रिटेलिएट करे और वो भी बम फेंक थे तो दोनों का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और देर विल बी नो विनर कोई भी नहीं जीतेगा है ना देर विल बी नो विनर, and जो जो ह्यूमन का लॉस होगा और प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होगा दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू बोथ ऑफ द कंट्रीज एंड टू वर्ल्ड एज अ होल क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में देखा राइट क्लियर है सभी को सो दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ व्हेन बोथ ऑफ द कंट्रीज आर सो पावरफुल बोथ ऑफ देम हैव द कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट एंड दैट इज व्हाई नन ऑफ देम इनिशिएट्स अ वॉर बिकॉज उन्हें पता है कोई विनर नहीं निकलेगा कोई फायदा नहीं है इससे इससे और दोनों की कंट्रीज में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा राइट चलिए अब हम चलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे So के पास में एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है कॉल्ड क्यूबा ठीक है और यहां पे है हमारा यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत है, है भैया ये है यूएसएसआर की दोस्त यूएसएसआर का अलाय है यूएसएसआर के ग्रुप के अंडर है अलायंस के अंडर है राइट तो यूएसएसआर क्या करता है अपनी शिप्स को यहां पे भेज देता है ठीक है और यहां पे न्यूक्लियर प्लेस कर देता है ठीक है मिसाइल रख देता है ठीक है तो इससे क्या होता है जो यूएसए है वो तो बहुत ज्यादा क्लोज है क्यूबा के तो वो इमीजिएट थ्रेट के अंदर आ जाता है ठीक है थ्रेट के अंदर आ जाता है भैया और तीन हफ्ते बाद आफ्टर थ्री वीक्स यूएसए को पता चलता है कि ने ऐसा किया है राइट right? तो अब भैया यूएसए तो बहुत ज्यादा डेंजर में है क्योंकि अगर एक मिसाइल चला दी तो पूरा का पूरा यूएसए डूब सकता है तो वो क्या करता है समझदारी से काम लेता है और बोलता है कि जो भी अगर अब हमें जो भी शिप दिखेगी आती हुई यूएसएसआर से हम उसको ब्लॉक कर देंगे और यूएसएसआर को पीछे कर देता है राइट right? इनिशिएट वॉर नहीं करता है ठीक है एक वॉर की शुरुआत नहीं करता है बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेटरेंस राइट सो यूएसएसआर की शिप्स कर देती हैं बैक ऑफ तो वापस से एक वॉर होते होते टल जाती है राइट right? तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्रेंटेशन है राइट right? क्लियर है कौन से ईयर में हुआ ये 1962, सिक्सटी टू राइट और इस टाइम यूएसएसआर के लीडर कौन थे निकिता ख्रुशजेव एंड यूएसए के लीडर कौन थे जॉन एफ कैनेडी क्लियर है सभी को सो दिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स भी हम कर चुके हैं इसमें आता है नेटो एंड वॉरसो राइट इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो कोल्ड वॉर है ये हो क्यों रही है क्योंकि दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी अपने Ideology, अपनी थिंकिंग को फैलाना चाहते हैं और जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ उनके अंडर आएंगी उसी से पता चलेगा करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आता है मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है इकोनॉमिकली भी ये बहुत अच्छे है, है ना? सब कुछ है इनके पास तो इन्हें स्मॉलर स्टेट्स का हेल्प स्मॉलर स्टेट्स की असिस्टेंस क्यों चाहिए राइट right, तो इसमें पांच पॉइंट्स हैं सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्सेज रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए लाइक ऑयल like है ना मिनरल्स uh, ये सब नंबर सबसे इनकी जो टेरिटरी uh, है उसको यूज करने के लिए वहां पे मिसाइल्स लगाने के लिए अपनी आर्मी को भेजने के लिए ट्रूप्स को रखने के लिए जैसे कि क्यूबा में किया राइट नंबर थ्री इनकी टेरिटरी से स्पाई करने के लिए अगर कोई पास में है ओपोनेंट आप, के तो उस टेरिटरी पे जाके आंख रखेंगे कि बगल वाले देश में हो क्या रहा है टू स्पाई ठीक है नंबर फोर भैया इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल जाती है कैसे क्योंकि ये जो छोटी कंट्रीज है यहाँ पे इन सुपर पावर की आर्मीज प्लेस होती है तो वहां पे छोटा मोटा खर्चा वो कंट्री कर देती है एंड नंबर फाइव अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए अपनी पावर को दिखाने के लिए सो आइडियोलॉजिकल स्प्रेड क्लियर है सो दीज आर फाइव रीजन चलिए आगे चलते हैं सो so, ये भी हमारा टॉपिक हो गया अब अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में क्या बात करी गई है अरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में बोला गया है कि क्यूबा की तरह और भी बहुत सारी जगह पे कॉन्फ्रेंटेशन हुई शूटिंग वॉर्स हुई शूटिंग वॉर्स क्या होता है यानी कि हॉट वॉर्स जहाँ पे बम्ब वगैरह चले हैं बट वो उतने लेवल पे नहीं हुए लेवल पे एरिया पे हुए, हुए, एरिया उससे पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट नहीं हुआ राइट तो कौन सी कौन सी अरिनाज थी कोल्ड वॉर की देखते हैं जरा राइट तो और ऐसी अरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर पे कॉन्फ्रेंटेशन हुई है कोरिया फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री बर्लिन नहीं है इसमें हमें सिर्फ पता होनी चाहिए कौन कौन सी अरिनाज थी कोल्ड वॉर की अब हम चलते हैं challenge कि हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सो चैलेंज टू बायपोलैरिटी अब जैसे हमने देखा यूएसए अलायंस यूएसएसआर अलायंस बायपोलर का मतलब क्या है दो हिस्सों में टू पोल्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है कौन से पोल्स हैं ये यूएसए अलायंस एंड यूएसएसआर अलायंस अब एक और नया चैलेंज एक नया ओपोनेंट आ जाता है कौन है वो नाम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एक ऐसे देशों का ग्रुप जो अभी-अभी आजाद -अभी हुए हैं न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज लाइक इंडिया राइट कोल्ड वॉर कब शुरू होती है 1945 में और इंडिया कब इंडिपेंडेंट होता है 1947 में राइट सो so, इंडिया जैसी और भी न्यूली कंट्रीज की शुरुआत करती हैं क्योंकि उन्हें डर है उन्हें झिझक है कि भैया अभी तो हम आजाद हुए हैं एक कॉलोनी से राइट एक फॉरेन कंट्री से अब हम वापस से अगर किसी अलायंस में चले जाएंगे तो तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ जाएगी क्या पता वो हम पे वापस से कब्जा कर ले राइट सो so, वो नैम की शुरुआत करते हैं सो so, नैम फाइव फाउंडिंग मेंबर्स बट जो रूट्स हैं वो तीन मेंबर्स की फ्रेंडशिप पे जाते हैं नंबर वन युगोस्लाविया जोजेब्रोज टीटो जोजेब ब्रोज टीटो क्लियर है नंबर टू इंडियाज जवाहरलाल नेहरू राइट नंबर थ्री इजिप्ट गमाल अब्दुल नासिर तो नासिर राइट फिर आ जाते हैं दो एक्स्ट्रा फाउंडिंग मेंबर्स इंडोनेशिया सुकर्णो सर नेम है यह लास्ट नेम है एंड भानस क्वामे नखरूमा वेरी इंपॉर्टेंट ये नेम्स आपको पता होने चाहिए क्लियर है सभी को बात राइट चलिए सो दीज आर द फाइव फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम क्लियर है सभी को परफेक्ट आगे देखते हैं फर्स्ट नैम का सबमिट कब हुआ कब हुआ 1961 में कहां पे बेलग्रेड में क्लियर है चलिए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आगे चलते हैं चलिए सो जानते हैं नैम था क्या नॉन अलाइन मूवमेंट आखिरकार थी क्या तो यह बताने के लिए ना हम ये तो ये बताना आसान नहीं है कि नैम था क्या बट ये हम बता सकते हैं कि नाम क्या नहीं था वॉट वॉज नॉट राइट right? क्या नहीं था नैम का ऑब्जेक्टिव या नैम का वी कैन से पर्पस राइट सो नैम का मतलब था नॉट टू जॉइन एनी अलायंस किसी भी अलायंस का पार्ट आप नहीं बन सकते है ना राइट right? आपको इंडिपेंडेंट रहना है ना ही आप यूएसए के पास जा सकते हैं अलायंस में ना ही आप यूएसएसआर के पास जा सकते हैं राइट सो नंबर वन चीज तो हमारी ये है देन नंबर टू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां लिख लेते हैं NAM क्या नहीं था इट नॉट आइसोलेटेड आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रैलिटी तो ये बोला नैम के लीडर्स ने कि नैम का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए हैं वी आर अलूफ फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स नहीं हम कहीं भाग नहीं रहे हैं वी आर नॉट फ्लिइंग अवे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन वी कैन से स्मूदनिंग इन स्लोइंग डाउन ऑफ द कोल्ड वॉर की भैया जो कोल्ड वॉर टेंशन है हम उनको कम कर रहे हैं हम आइसोलेटेड नहीं है और ना ही हम न्यूट्रल हैं क्योंकि न्यूट्रैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप बाहर से बैठ के देख रहे हैं क्या चल रहा है आप इन्वॉल्व ही नहीं है राइट बट भैया हम स्टैंड भी लेते हैं और हम कोल्ड वॉर टेंशन को ठीक करना चाहते हैं राइट सो so, नैम के बारे में ये सब बोला गया है चलिए सो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी भी हो गया है अब हम चलते हैं एन आई पे एन आई ई ओ क्या है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर राइट right? यहां पे क्या की है क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है देखते हैं सबसे पहली चीज ये यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यू एन सी टी ए डी की एक रिपोर्ट जो 1972 में आई जिसका नाम क्या था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी एक नई ट्रेड पॉलिसी बनाने की कोशिश किस चीज के लिए फॉर डेवलपमेंट राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट की हैं प्लीज ध्यान से आप इसको लिख लीजिए राइट right? ये सब कुछ पता होना चाहिए राइट right? अब इस रिपोर्ट में क्या सजेशन दिए गए क्या बोला गया देखते हैं सबसे पहले तो ये जो न्यूली डी कोलोनाइज कंट्रीज थी नैम की इन्हें बोला गया कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से है मेजोरिटी ऑफ दी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज आर अमंग्रीज इनको भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ अपनी कंट्री में से पावर्टी हटाने की जरूरत है राइट right? क्लियर है टू रिमूव पावर्टी सो क्या किया जाए चार ऐसे सजेशंस दिए गए जो लिए जा सकते हैं नंबर वन कि इन सारी कंट्रीज़ को अपने खुद के रिसोर्सेस पे कंट्रोल दिया जाए कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस और जो बाहर की कंट्रीज हैं जो कॉलोनीज हैं जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ना एक्सप्लॉयट करें इनके रिसोर्सेस को नंबर टू इनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए इन फॉरेन मार्केट्स, एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट्स ताकि ये भैया फॉरेन एक्सचेंज कमा सके फॉरेन पैसे कमा सके और इनकी इकोनॉमी डेवलप हो राइट? देन नंबर थ्री जो ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज से उसका कॉस्ट कम किया जाए सो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी राइट एंड नंबर फोर कि भैया इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा रोल दिया जाए कौन से इंस्टीट्यूशन है ये लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आई एम एफ एंड आपका वर्ल्ड बैंक राइट सो ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्लियर है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दई ई ओ लेकिन अब हम समझेंगे कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ नहीं भैया 1972 का ये जो इनिशिएटिव था ये नाइनटीन में जाके रिजेक्ट हो गया बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने यूनिफाई होके अपना एक ग्रुप बना के जोर से बोल दिया नो no, हम इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं एंड यही यूनिफिकेशन भारी पड़ गई ऑन दीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज राइट चलिए अब हम चलते हैं इंडिया एंड कोल्ड वॉर पे इंडिया का क्या स्टैंड है कोल्ड वॉर को लेके क्या क्रिटिसिज्म है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है देखते हैं चलिए सो so जो इंडिया का रिस्पॉन्स है कोल्ड वॉर पे दैट इज टू फोल्ड दो तरीके हैं इसमें राइट नंबर वन है उसने काफी हद तक दोनों अलायंसेस से दूरी बना के रखी टू स्टे अवे फ्रॉम बोथ दी अलायसेस राइट एंड नंबर टू उसने किसका साथ दिया न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज का उसने आवाज उठाई रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज ज्वाइनिंग द अलायसेज राइट तो आवाज उठाई रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट जब क्या हो रहा है न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज किसको ज्वाइन कर रही है अलायंसेज को ज्वाइन कर रही है अगेंस्ट न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज ज्वाइनिंग द अलायसेस राइट सो ये इंडिया का रिस्पांस था कोल्ड वॉर पे क्लियर है आगे देखते हैं इंडिया की पॉलिसी क्या थी फॉरेन पॉलिसी अगर हम बात करें राइट right? ना ही वो नेगेटिव थी यानी कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे ना ही वो पैसिव थी कि चुप के बस एक्शन से दिखाना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं इट वॉज एक्टिव इंटरवेंशन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन कमिंग डाउन द वी कैन से राइवलरीज बिटवीन द टू नेशंस इन Smoothening in soothing the cold war tensions, right? So it acted as a mediator between the two alliances. And wokya cha hati peace or stability between the two alliances, right? So this was the role. अब बात करते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर एरा में इंडिया मीडिएटर बनना बन रहा है अलग से अलायंस बना रहा है क्या इसमें ये कोई नोबल इंटरनेशनल कॉज है समाज सेवा है जी नहीं इसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट इंडिया का फायदा इंडिया का बेनिफिट इन्वॉल्व है राइट सो इसमें दो टाइप्स के इंटरेस्ट आते हैं एक है सेल्फ इंटरेस्ट राइट अपने बेनिफिट के लिए और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट જરા સમજતે હે ધ્યાન સે ક્યા કેસે હમ ડિપ્લોમેટિકલી khelતે થે રાઈટ તો ઇસમે سبસે પહેલી બાત હે સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ મે ઇન્ટરનેશનલ ડિસિઝન લેના હો કોઈ સ્ટેન્ડ લેના હો તો ઇન્ડિયા અપને બેનિફિટ કે અકોર્ડિંગ લેતા થા જisse ઇન્ડિયા કો આગે જકે ફાયદા હો રાધર ધેન बाई लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर उनके लिए क्या अच्छा है उनके बीच में कैसे दोस्ती होगी हम अपना फायदा देखते थे, सेल्फ देखते थे थे सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट एंड नंबर रिस्पेक्ट की बात करें तो भैया अगर हमें कोई एक alliance, कोई एक एक अलायंस सुपर पावर हल्के में ले रहा है हमें इग्नोर कर रहा है या हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है तो हम दल बदल लेते थे तो हम दूसरे अलायंस के पास चले जाते थे राइट सो टैक्टिकली दोनों को घुमाते थे राइट right? सो so, This was India's self approach. अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की क्रिटिक्स ने क्या बोला क्या बुराई करी इंडिया के नॉन अलाइंस मुद्दे की सबसे पहली चीज बोली कि भैया ये था। कोई प्रिंसिपल ही नहीं है इंडिया का जब इंटरनेशनल स्टैंड लेना होता है तो लेता नहीं है ठीक है तो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट की वजह से यह यहां पर अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा है राइट एंड नंबर टू इंडिया वॉज ले 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 था और कभी सेम मुद्दे पे नहीं लेता था एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पहले खुद ऐसे किया फिर दूसरा अगर कोई दूसरी कंट्री की बात हो रही है तो उसी सेम इशू में दूसरा स्टैंड ले लेगा सो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉस्टर लेता था हिपोक्रेसी करता था राइट फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने खुद ने बोला कि कोई भी नॉन अलाइन कंट्री कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करेगी बट लेकिन फिर यूएसएसआर के साथ क्या करिए ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971 है ना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली 1971 में तो भैया हम इसको क्या समझे ज्यादा गहरे दोस्त हो ना आप उनकी साइड हो आप उनके अलायंस में हो राइट सो इनडायरेक्टली तो आपने एक अलायंस ज्वाइन कर लिया ऐसा बोला गया लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया बांग्लादेश वॉर की वजह से हमें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए था इसीलिए हमने ये स्टेप लिया राइट दिस इंडिया एंड कोल्ड वॉर अब हम चलते हैं लास्ट बॉक्स पे जो है हमारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज अब क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट था म्यूचुअल सस्पेशन था दोनों को लगता था कि कहीं ये हम पे हमला ना कर दे तो दोनों क्या दोनों ही आर्म्स रेस में लग गई आर्म्स रेस क्या होता है दोनों ही भारी भरकम मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखने लगे लॉन्च करने लगे मैन्युफैक्चर करने लगे राइट तो इससे बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे आ, वी कैन से न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए इनके पास राइट तो अब भैया आप किस लिमिट तक जाओगे इन्होंने बैठ के बोला कि हम आर्म्स को लिमिट करेंगे कम करेंगे आर्म्स लिमिटेशन करेंगे राइट तो इसी रिगार्ड में कुछ ट्रीटीज साइन हुई यूएस और यूएसएसआर के बीच में चलिए देखते हैं ये कौन सी ट्रीटीज हैं तो सबसे पहले आती है एल टीबी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर दिया है कहां पे एटमॉस्फेयर में, में टेस्ट करना और अंडर वाटर टेस्ट करना कौन से ईयर में 1963 में ये साइन हुआ राइट उसके बाद चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका मतलब क्या है इसमें बोल दिया भैया जो सुपर पावर्स थी उन्होंने बोला 1967 से पहले जिन भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए ओके बट इसके बाद से कोई भी डेवलप नहीं करेगा राइट तो ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि 1967 से पहले जो हमारे परमानेंट फाइव मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे तो ये एक मोनोपोली क्रिएट कर देता राइट सो इंडिया ने इसको स्ट्रिक्टली अपोज किया और बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है हम इसको साइन नहीं करेंगे राइट फिर हम चलते हैं सोल्ट वन और सोल्ट टू पे आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सोल्ट वन में एंटी मिसाइल सिस्टम को लिमिट कर दिया गया बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ये स्टेप है इनिशिएटिव है इसमें जो सॉल्ट वन और सोल्ट टू को डिस्टिंग्विश करता है और सोल्ट टू में क्या किया गया लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक वन में उसके बारे में सिर्फ बात हुई थी लेकिन सोल्ट टू में ऑफिशियली वो किया गया 1972 1979. हुआ हुआ हुआ, 1991 में and start two हुआ 1993 में, 1993 right? के साथ हुआ. Clear है? दोनों में ही लिमिटेशन हुई ऑफेंसिव आर्म्स की क्लियर है सो दिस वाज आर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑफ कोल्ड वॉर एरा आई होप आपको ये रिविजन वीडियो पसंद आई हो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा आई वुड से फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करी जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आए एंड सारे के सारे की वर्ड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स ईयर्स पर्सनैलिटीज़ को कवर किया राइट सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डीड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर एट ह्यूमैनिटीज इज़ हैपी लर्निंग आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो